तो हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो भाई लोग आज जा रहे हैं हम गलतेश्वर महादेव, है ना, तीनों भाई हर हर महादेव। तो भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, तो ब्लॉग को पूरा देखे शहर में। दोस्तों, हमारे भाई लोग भारत भाई को नाश्ता आस्ता लग रहा है, तो भारत भाई बोल रहा है कि बड़ा पाव खाएंगे, तो हम रुके हैं एक जगह पर, है ना, और नाश्ता करने जा रहा है। तो दोस्तों देखते रहे, नाश्ता करेंगे अपने भाई लोग। भुक्कड़ है भारत भाई, खाना खिलाना है, खाना खिलाना। तो भाई लोग हमारे भारत भाई नाश्ता करेंगे और मैं भी ब्लॉग बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ, और फिर चलेंगे गलतेश्वर महादेव दर्शन करने, है ना, भोले जी के दर्शन करने चलेंगे। ये हमारे भारत भाई। तो दोस्तों, हम ये भाई लोग बैठे हैं, है ना, नाश्ता वगैरह कर रहे हैं जय जलाराम रेस्टोरेंट पे। ये अपने कौन सा रोड है, कड़क रोड है ये, और गलतेश्वर महादेव जा रहे हैं हम। तो ये रोड पड़ेगा शॉर्टकट में, तो यहाँ पर मंचूरियन वगैरह खाएंगे तीनों भाई। तो भाई लोग, ये मंचूरियन आ चुका है, और अपने भारत भाई देख रहे हैं, है ना, ये मंचूरियन, और ईश्वर भाई बैठे हैं अपने, और मंचूरियन खाएंगे। वो पावर बैंक से रख रहे हैं भाई, फोन भी आ गया भाई का, ना गाने वगैरह चल रहे हैं, तो ब्लॉग में बने रहे हैं। फिर चलते हैं बाबा के दर दर्शन करेंगे, केक लेके खा लेते हैं, उसके बाद क्योंकि नाइट में निकले हम, है ना, 6 बज रही है समथिंग, 6 से हमारे को 7-8 बज जाएगी, और फिर ब्लॉग को बताएंगे आपको, पूरा ब्लॉग देखना आप क्या क्या करेंगे हम लोग, और कहाँ कैसे क्या दर्शन करेंगे हम दोनों भाई, तीनों भाई। ये हथियार दे दिया ईश्वर भाई ने, ये हथियार दे दिया मेरे को खाने के लिए, और ईश्वर भाई भी खाने के लिए स्टार्ट हो गए, भारत भाई भी खा रहे हैं, और फिर चलते हैं बाबा के दर्शन करने, है ना, शहर में। तो ये भाई लोगों को क्या है कि इसमें मंचूरियन में क्या ज़्यादा ग्रेवी दिख रहा है, तो भाई लोगों ने सोचा कि उसको कैंसिल करते हैं और फिर ये खाते हैं राइस, है ना। तो ये राइस मंगवाया है और राइस मिला के खाएंगे इसमें, और मैं भी खाऊँगा, है ना। तो देखते रहे ब्लॉग को शहर में। ये देखो अपने भाई खा रहे हैं, भारत भाई देखो अभी तक खा रही है, हम निपट चुके हैं और अभी तक फिनिश नहीं हुआ इनका, इनको होगा 10 से 15 मिनट, अकेले खा रही है ये, और हमने खा चुका है, है ना, खा लिया हमने, और अब चलते हैं महादेव के दर्शन करने। तो ब्लॉग में बने रहे, है ना, तो भोले बाबा के दर्शन करेंगे गलतेश्वर महाराज के, तब चलते हैं शहर में। नाइट हो चुकी है और हम चल रहे हैं बाबा की तरफ दर्शन करने, है ना। यहाँ होटल से निकल चुके हैं और अपनी बाइकें खड़ी और भाई लोग यहाँ खड़े निकल चुके हैं, ना। तो भाई लोग ये देखो गलतेश्वर मंदिर यहाँ से पास में, और हम चलते हैं बाबा की तरफ शहर में, है ना। तो बाबा ज़्यादा दूर नहीं है हमसे, और बाबा का प्रसिद्ध मंदिर ये बाबा ने खुद हाथों से बनाया था, है ना। यहाँ पर 8 भुजा का जो मंदिर है, ये 8 प्रकार के जो बना है यहाँ पर, और बाबा साक्षात बाबा है, तो बाबा के दर्शन करना ज़रूरी है। और चल पड़े हम मंदिर के बाहर, आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है, और ये मंदिर का फ्रंट जो है, फ्रंट है मंदिर का, और मंदिर के अंदर गाड़ी जा रहे हैं हम मंदिर के अंदर, और यहाँ बाबा का मंदिर है जो
कि यहाँ पर गार्डन वगैरह है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के फ्रंट में। जो मंदिर आपको दिखाऊंगा यहाँ का एड्रेस है, जो कि बहुत अच्छा है और बाबा की प्रतिमा है यहाँ पर। और भाई लोग जा रहे हैं हमारे और मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ अभी और चल रहा हूँ, है ना। और भाई लोग ही अपने और हम जा रहे हैं, गेट को पार करेंगे और बाबा का दृश्य दिखाएंगे आपको। कितना अच्छा दृश्य ही है, आपको देखकर अच्छा लगेगा और आप भी दर्शन करने आओगे, आप भी दर्शन करने आओगे यहाँ पर। और बाबा साक्षात है यहाँ पर, ये देखो बाबा का फ्रंट जो है, फ्रंट इस तरीके से। और ओम नमः शिवाय। तो इस तरीके से बाबा बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छे दिखने में लग रहे हैं। और घूमने लायक जगह ये सूरत का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि देख सकते हो आप बाबा की मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है। साक्षात भोलेनाथ जी बैठे हैं, जो कि रुद्र अवतार में बैठे हैं। तो बाबा की मूर्ति देख सकते हो आप। और देखो यहाँ पर मंदिर है, इस तरीके का मंदिर हो, बाबा का साक्षात दर्शन कर सकते हो आप, जैसे रियल में बाबा खुद दर्शन दे रहे हैं हम भक्तों को। और देखो कितना अच्छा लग रहा है दृश्य ही बाबा का, और बादल भी किस तरीके से अच्छा लग रहा है। दोस्तों आप देख सकते हो बाबा की कितनी बड़ी मूर्ति है, और देखो कितने अच्छा लग रहा है बाबा का, जो कि साक्षात बाबा ही बैठे हैं रियलिटी में। और बाबा बहुत मस्त लग रहा है बाबा, है ना। हर हर महादेव। आओ ईश्वर भाई, हमारे भाई लोग भी यहाँ पर आए और ये दृश्य ही देख रहे हैं। तो मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं जन्नत में आ चुका हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप कभी भी सूरत आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना, क्योंकि बाबा साक्षात बैठे हैं यहाँ पर, है ना। बाबा को देख सकते हो आप सब लोग, है ना। तो शहर में बाबा को देखना आना है आपको सभी को यहाँ, जैसे कि जन्नत में आ चुका हूँ मैं। और मेरे भाई लोग भी आए, ये ईश्वर भाई है, है ना। और उसके बाद भारत भाई शूट कर रहा है, भारत भाई भी आएंगे दिखेंगे, है ना। तो ईश्वर भाई जाओ, भारत भाई को भी दिखाओ, तो भारत भाई भी दिखेंगे। भारत भाई आ जाओ, भारत भाई आए हमारे। जय महाकाल, जय महाकाल। जैसे हो तो भारत भाई भी आए अपने, भारत भाई को देखो, भारत भाई तो मस्त मगन हो गए, है ना। तो बहुत अच्छा लगा भाई, दिल को सुकून मिल गया, दिल को सुकून मिला। मेरे को भी पहली बार ऐसा फील हो रहा है कि बाबा महाकाल स्वयं साक्षात दर्शन दे रहे हैं हमको, है ना। त्रिलोक जो कि रुद्र अवतार में बैठे हैं बाबा शहर में। बस भाई लोग आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखो बाबा साक्षात रूप में बैठे हैं और मेरे सामने बैठे हैं, जो कि देख, क्योंकि बाबा खुद साक्षात दर्शन दे रहा है। जैसे कि बर्फ में बाबा बैठे रहते हैं ना, उस तरीके से, जैसे कि केदारनाथ हो गया। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत पर आ चुका हूँ मैं, इस तरीके का नज़ारा यहाँ पर लग रहा है। और दिल को काफ़ी सुकून फील हो रहा है यहाँ का, सूरत का ये प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि गलतेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। और बाबा देखो साक्षात बैठे और अपने भाई लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं, है ना। और देखो मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, तो आप यहाँ देख सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हो श्री गलतेश्वर महादेव मंदिर है, और यहाँ पर आए हम भाई लोग। और यहाँ की जो प्रतिमा है काफ़ी दर्शनीय लायक है, बहुत अच्छी दिखने में, जो कहे तो बादल में बसी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे केदारनाथ में आ गए या कैलाश पर्वत में आ चुके हैं हम, ऐसा लगता है यहाँ पर आकर। और यहाँ पर देखकर आपको आपका दिल प्रसन्न हो जाएगा। और अपने भाई लोग देखो, ये भारत भाई और ये अपने समझते हो बड़े भैया, अपने भैया बड़े ईश्वर भाई। तो ये प्रतिमा जिसने बनाया, तो इस बेंगलोर वाले ने प्रतिमा बनाया है, और ये नंबर देख सकते हो आप,
तो हम जा रहे हैं यहाँ पर गर्भगृह में जा रहे हैं, तो भाई लोग जा रहे हैं, ये भाई लोग अपने और मैं भी चल रहा हूँ। तो नाइट का ड्रेस है ये जो भी है यहाँ पर, अभी हम काफी लेट हो गए हैं आज। और ये कैमरे वैमरे का कैमरे वगैरह अंदर रख ले, ऐसे विनिटी वगैरह लिखा है यहाँ पर। तो कैमरा वैमरा प्रवेश द्वार है ये, यहाँ से मैं मोबाइल को अंदर रख लेता हूँ क्योंकि अनुमति नहीं है मोबाइल ले जाने की शहर में। दोस्तों मेन मंदिर का दरवाजा जो बंद हो चुका है क्योंकि काफी लेट आए हैं हम भाई लोग। और ये देखो यहाँ पर ये मेन मंदिर है ना, गलतेश्वर महाराज का जो मंदिर है, महादेव जो की मंदिर है, जो अभी बंद हो चुका है। और अभी यहाँ का नज़ारा काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि दर्शन नहीं हो पाएंगे अभी तो मेन, और बाबा बैठे हैं साक्षात। और काफी टाइम लगा यहाँ आने में हमको भी, तो हम लेट हो चुके हैं। तो दोस्तों हमने देखा है अंदर की 12 ज्योतिर्लिंग जो कि इस गर्भगृह में है, और अंदर का नज़ारा अभी बंद है जो कि हम देख नहीं पाए, काफी लेट आए है ना तीनों भाई। और अगले सोमवार को आएंगे, सोमवार को आएंगे मंडे के दिन है ना, गलतेश्वर महादेव जो कि यहाँ पर विराजित है। और अभी अधूरे रह गए दर्शन, तो बाबा के दर्शन कर लिए और बहुत अच्छा लगा बाबा के, जैसे कि साक्षात बादल में बैठे तीनों भाइयों ने कर लिए दर्शन। और तो दोस्तों हम जा रहे हैं रूम की तरफ, और हर हर महादेव है ना, ऐसे ही ब्लॉग में बने रहे शहर में। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।